हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि हमारे ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो है जल्दी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आइए जानते हैं इन कारणों को। सबसे पहला जो इसमें कारण है, आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। नाइट्रोजन की कमी होने से भी जो है आपके पौधे जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और अगर आप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने पौधे में एनपीके उर्वरक डाल सकते हैं। एनपीके से भी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप जो घर में हरी पत्तियों की, किचन वेस्ट की कंपोस्ट खादें होती हैं उनको भी डाल सकते हैं। हरी खादों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए अलावा आप मार्केट से भी नाइट्रोजन खाद युक्त कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। सेकंड रीजन में फास्फोरस आता है। फास्फोरस की कमी से भी पौधों में फूल और फलों में कमी आ जाती है, तो फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए भी हम एनपीके ले लेंगे। एनपीके से फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरा रीजन हो सकता है जिससे हमारे पौधे में ग्रोथ जल्दी नहीं होती, वे रीजन ये है कि अगर आप पौधे की छटाई को गलत समय पर कर देंगे, जैसे कि अगर फूल फल आने का समय है उससे थोड़े ही दिनों पहले अगर आपने छटाई की है तो आपका जो पौधा है पूरी ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं ले पाएगा। ये भी एक रीज़न होता है जिसमें आपको परिणाम जल्दी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथा रीज़न है वह है अगर आप पौधे के लोअर भाग की प्रूनिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मिट्टी से ऊपर मेरा ये पौधा है और इतने सारे नए नए प्रून इसमें ये आ गए हैं भर भर के। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने उस समय इनको काट दिया था, लेकिन अभी किसी कारणवश मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इतना बड़ा जो है ये एक्स्ट्रा आ गया। तो दोस्तों, अगर हम निचले भाग की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो जो हमारा पौधा है ऊपर ग्रोथ इसमें नहीं होगी। ये सारी पावर जो नए नए कल्ले इसमें आ रहे हैं ये ही ले लेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जो लोग ड्रैगन फ्रूट के पौधे अपने घरों में लगाते हैं या फिर खेती के लिए लगाते हैं, तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमें किसी कीमत पर भी इग्नोर नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात आपसे कर रहा था, तो मेरे पास दो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जिनमें से पहला तो ये है। इसका वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। ये 20 रुपए की एक पुड़िया आती है। तो दोस्तों, ये एक टंकी पानी के लिए ये पुड़िया होती है। एक टंकी पानी में हमें इसे डालना होता है। फिर आप इसको चाहो तो फवारे द्वारा भी डाल सकते हो जड़ों में, और आप इसका स्प्रे भी दे सकते हो। दोनों तरीक़ों से आपको एक तरीका अपना लेना है और अपने पौधे को इससे भिगा लेना है। तो दोस्तों, जब से मैंने ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाया है 1 साल पहले, मैं लगातार जो दूसरी खादें हैं वो तो मैंने पहले आपको बता ही रखी हैं, वे सब डाली। उसके अलावा मैंने जो ये प्रोडक्ट है इसको भी लगातार यूज किया है। लगभग आपका पौधा दुगनी या तिगनी स्पीड से इससे भागेगा। इस खाद का जो रिजल्ट होता है इसमें, यह आपके पौधे को हरा रखता है और उसकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो मेरे पास एक टंकी पानी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो इसको ऐसे ही अंदाज से ही डाल देता हूँ। लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैंने डाल दिया तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। मैं इससे पहले भी इसको डालते आया हूँ। और
जो दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों मेरे पास, वे है ये NPK, जिसका मैं अपने वीडियो पर लगातार जिक्र कर रहा था आपसे। नाइट्रोजन फास्फोरस जो वृद्धि के लिए फूल फल की और पौधे को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, तो ये हमको डाल लेनी है। वैसे तो अधिकांश लोग एक चाय की चम्मच के बराबर इसका यूज करते हैं 5 से 10 लीटर पानी में, क्योंकि आप जानते हो ड्रैगन फ्रूट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र से कोई दिक्कत नहीं होती है, और वैसे भी NPK और DAP का कोई नुकसान होता भी नहीं है। गर्मी का समय आ गया है, अगर आपने इस समय अपने पौधे को नहीं बढ़ाया तो फिर आप किस समय बढ़ाओगे, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। तो इस समय गर्मी आते आते आपके पौधे की जो है ग्रोथ इनसे बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से हो जाएगी। आप इसका घोल बना लीजिए 1-2 लीटर पानी में, जितना आपको चाहिए। जो 20 रुपाली मैंने पुड़िया बनाई है, इसको वैसे आप अकेले भी बना सकते हो, ये ज़्यादातर अकेले ही डाली जाती है। मैं इसका प्रयोग आज NPK के साथ करके देखना चाहता हूँ, तो मैं 1 लीटर पानी में ही इसको बना रहा हूँ। 1 या 1.5 लीटर में लगभग और ले लूँगा इसमें, तो लगभग मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी ले लिया है। अब मैं इसका स्प्रे डालता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अब ये 2 घोल मिला के मैं इनमें स्प्रे कर रहा हूँ। आपके सामने आपने देखा होगा ये मेरे कहीं कहीं पर पत्ते पीले भी पड़े हुए हैं, तो ये इससे ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ये इस तरीके से। और जो घोल मेरा बच जाएगा उसको मैं कल को दूंगा पौधे को, तो मैं 1-2 दिन इनको डालूंगा ऐसी लगातार। और तो दोस्तों मैंने इसको हर एंगल से डाल लिया है, इसमें बहुत सारे कल्ले इसमें भर भर के आए हैं। 1 महीना पहले जो मैंने ड्रैगन फ्रूट के पेड़ को के लिए फास्ट कुकिंग वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा ये छोटे छोटे कल्ले आ ही रहे थे। तो उसके बाद ये नए तरीके से मैं खाद का उपयोग इसका कर रहा हूँ। बची हुई खाद को आप इसमें 1-2 दिन स्प्रे मार लेना, और उसके बाद अगर आप इस तरीके की खाद को यूज करते हैं तो बचे हुए को आप ज़मीन पर भी डाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों खादें NPK और ये दूसरी वाली ये ज़मीन पर भी यूज होती हैं और पौधे पर डायरेक्ट भी डाली जाती हैं। इसके अलावा आप इसका यूज अपने फूलों में गुलाब उलाब में भी डाल सकते हो इसको। तो दोस्तों अब जो लास्ट इसके ग्रोथ के लिए जानकारी बची है वो है इसकी प्रूनिंग, जो कि मैं आपको हर अपने वीडियो में बताता हूँ। इस तरीके से आपको इनकी प्रूनिंग कर लेनी है। प्रूनिंग से पहले जो आपका टूल होगा आप उसको सैनिटाइज कर लीजिएगा, जिससे इनकी ग्रोथ जल्दी होगी। और इसके अलावा आजकल चींटियाँ भी लग जाती हैं आपके पेड़ में, तो आप उसके लिए नीम के ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं, और कोई कीटनाशक डालना चाहें तो कीटनाशक डाल लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे, और सारे प्रयोग आप अपने पौधे में जो भी करना चाहते हैं वे आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं सिर्फ अपने पौधों पर प्रयोग करता हूँ और वे ही मैं दूसरों को बता देता हूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और प्रूनिंग के बाद अपने पौधे में फंगीसाइड का उपयोग ज़रूर कर लेना, क्योंकि उससे फंगल आ जाती है। धन्यवाद।